स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई तो आज यहाँ पे जो हमारा सामने गाड़ी खड़ी है ना भाई, ये मारुति का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और सबसे चहिता प्रोडक्ट भी है, क्योंकि लोग और यंगस्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है गाड़ी। भाई हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है भाई, ये स्विफ्ट का फोर्थ जनरेशन हमारे सामने खड़ा है। इसका ये VXI वेरियंट हमारे सामने खड़ा है। तो आज डिटेल से बात करेंगे इस वेरियंट के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपको रखी गई है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले भाई इसके प्राइस रेंज से। तो VXI वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई, इसकी जो 2024 में प्राइस यानी आपको देखने के लिए मिल जाती है वो है 7,30,000 रुपए का। एक्स शोरूम ऑन रोड आता है ये गाड़ी आपको 8,50,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। फ्रंट से देखेंगे तो भाई पूरा ही चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए, पुरानी स्विफ्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, नई स्विफ्ट ये है आपके सामने खड़ी है। चेंज क्या मिलता है भाई, ग्रिल पोर्शन आपको पूरा चेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। छोटा पहले से देखने के लिए मिलता है, पहले काफी बड़ा आता था, हेक्सागन स्टाइल में आता था, अब ये आपको पूरा चेंज कर दिया है। फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक का इंसर्ट ग्रिल पोर्शन में देखने के लिए मिल जाता है, आउटर से आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा, और सुजुकी का लोगो अब आपको बम्पर में देखने के लिए मिलता है। नीचे से आपको एडम देखने के लिए मिल जाएगा, और फॉग लैंप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलते। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो भाई आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम यहीं में मिलता है, और पूरा स्मोकी फिनिश में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, यानी आफ्टर मार्केट आपको काम ही नहीं कराना। क्रोम इंसर्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे हेलोजन में ही देखने के लिए मिलते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट वगैरह आपको यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती है। पहले के मुकाबले बात करेंगे तो भाई पहले से काफी स्पोर्टियर फील होती है, और एक्सपोजर ज्यादा दिया गया है गाड़ी में। जैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको लाइन देखेंगे, जैसे हुड का आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पूरा शोल्डर लाइन से कनेक्ट होते हुए आपको देखने के लिए मिलती है, और ये आपका पूरा पीछे से कनेक्ट होकर राउंड में पूरा घूम जाती है। मतलब अगर मैं एक बात कहूँ तो भाई इसका जो लुक ये इंस्पायर किया गया है, सोच सकते हैं कौन सी गाड़ी है भाई, मिनी कूपर के इससे इंस्पायर किया गया। मिनी कूपर का भी लुक आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। फ्रंट की चौड़ाई की बात करेंगे तो 1735 mm की चौड़ाई है, जो सेम एज इट इज वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज जो किया गया है भाई वो साइड पोर्शन से किया गया है। अब इसकी लंबाई आपको 3860 mm की देखने के लिए मिलती है। बाकी गाड़ी में और कोई चेंज आपको साइड पोर्शन से वैसे देखने के लिए नहीं मिलता, सेम वही साइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लंबाई भले ही आपको लंबी मिल जाएगी, हाइट आपको भले ही इसकी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, 1520 mm की। बी प्लस की बात करेंगे तो ये भी आपको ब्लैक्ड आउट मिलते हैं, ए प्लस भी यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट ही देखने के लिए मिलते हैं। डोर वाइजर ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको स्टॉक में नहीं मिलता है। और जो पीछे पहले दरवाजा पे यहाँ पे हैंडल आता था वो भाई अब इन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया गया, वो वाला ज्यादा स्पोर्टियर लगता था, वाली चीज इन्होंने बरकरार रखनी चाहिए थी, बट चलो चेंज किया है। और ये वाला पैटर्न आपको पूरा एक ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे व्हील बेस की तो भाई व्हील बेस भी आपको इसमें 2450 mm का देखने के लिए मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करेंगे तो वही ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलता है 163 mm का। और यहाँ डोर्स में आपको देखिए साइड बिडिंग्स जो देखने के लिए मिल रही है क्रोम इंसर्ट के साथ, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। टायरों की बात करेंगे तो स्टील व्हील रिम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, MRF के टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 165/80R14 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवियम में बात करेंगे तो भाई ये आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, लेकिन ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, इसमें एसेसरीज फिट की गई है। LED टर्न इंडिकेटर्स आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर पोर्शन से अगर बात करें तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। भाई ये ज्यादा सुंदर मुझे रियर पोर्शन से और अच्छी लगती है। भाई जो आप पहले आफ्टर मार्केट टेल लैंप्स लगाते थे वो अब आपको कंपनी स्टॉक में ही दे दे रही है। जैसे देखेंगे तो पहले तो आपको पूरा स्मोकी फिनिश में देखने के लिए मिलता है, और ये वाला पोर्शन आपको ये पूरा एलईडी में देखने के लिए मिलेगा। ये ब्रेक लाइट भी एलईडी में आ जाती है, हेलोजन में रिवर्स लैंप आ जाता है, हेलोजन में इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। बंपर में अगर आप चेकआउट करेंगे तो भाई 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे आ जाएगी, डिफॉगर आपको मिल जाएगा, हैमोन स्टॉप लाइट मिल जाती है, और आपको पोल एंटीना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वाइपर वॉशर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इस वेरियंट में। और अगर को ड्राइवर साइड चले तो भाई को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे सेम वही चीज देखने के लिए मिलती है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो भाई 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। भाई माइलेज भी यहाँ पे पहले से काफी बढ़ा दिया गया है। भाई पहले अगर माइलेज जो आपको 22-22.5 का मिलता था, अब वो यहाँ पे आपको 2425 का माइलेज देखने के लिए मिलता है, यानी भाई इतना माइलेज मिल जा रहा है तो कुछ तो चेंज होगा इंजन में। भाई वो भी चेंज है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। भाई यहाँ पे बूट स्पेस आपको कितना देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है। भाई खुला नहीं गया, खुल गया। तो भाई ये है इसका कुछ बूट, बूट में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा 265 लीटर का भाई। और यहाँ पे कोई भी बूट लैंप वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस साइड नहीं मिलेगा।
और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, खोल के देखें। ओहो, यहाँ पे आप अपना ये जैक वगैरह टूल किट वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं, इसको यहीं पे ऐसे लगा देते हैं। और अगर बात करेंगे स्टेप की, आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी, स्टील विलरम में देखने के लिए मिलती है। जो सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है भाई रियर की, वो बेंच फोल्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। बूट में कुछ इतना ही है, बूट में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। चलिए बूट को करते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, वहां देखते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई जैसी दरवाजा खोलते हैं वैसी दरवाजा खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक टोन में देखने के लिए मिलेगा, कोई भी डुअल टोन का इंटीरियर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आपको भाई फैब्रिक में सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे भी फैब्रिक में सॉफ्ट टच है। 4x4 पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो में देखने को मिलेगा। सेंटर लॉकिंग के बटन है। ORVM एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। क्रोमिंग में डोर हैंडल मिल जाएगा, याला पैटर्न आपको एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर स्पेस, मैप पॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या बात है भाई, इसमें क्या सीट कवर्स भी मिल रहे हैं? नहीं भाई, इसमें सीट कवर्स नहीं मिल रहे हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है, आपको एडिशनल परचेज करना पड़ेगा। जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, ये केवल आपका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें आपके RTO है, इंश्योरेंस है, फास्टैग वगैरह ये सारी चीजें हैं। बाकी एसेसरीज का जितना भी कॉस्ट है वो आपकी एडिशनल इसमें चार्ज होगी, यानी एड ऑन होगी। बाकी यहाँ पे आपको 6 एयरबैग भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपका स्विफ्ट में अब आपको स्टैंडर्ड फीचर देखने के लिए मिलता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ओनली रिक्लाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखिए फ्यूल टैंक का लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। गाड़ी का हुड ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हेडलैम्प लेवलर भी आ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ के देखते हैं कैसा फील होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। दरवाजा करते हैं बंद, क्या बात है भाई। यहाँ पे आपको डेक पेडल भी देखने के लिए मिल जा रहा है, ABC यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, वही पुराना वाला मिलता है। बाकी ब्लूटूथ के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड यहाँ पे मिल जाएगा, वॉल्यूम के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील जो आपको यहाँ पे मिलता है वो टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। और फिर बाकी क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो भाई वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। भाई चाबी ये है, चाबी देखेंगे तो वही पुरानी वाली चाबी मिलती है, चाबी में कोई चेंजेस नहीं है। फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट आगे, लेकिन चाबी वही फर्स्ट जनरेशन वाली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है भाई, तब से लेके अभी तक का चाबी में कोई चेंज नहीं किया है। और ये देखिए भाई क्या बात है, क्लस्टर थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएगा भाई, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है। और स्वी आपकी जो निडल्स हैं वो काफी स्पोर्टी फील कराती हैं। RPM मीटर है, स्पीडोमीटर राइट हैंड साइड में है, सेंटर में आपको MMID डिस्प्ले मिल जा रहा है, जिसमें आपको क्या बजने लग गया यार तो डरा दे रहा। MMID डिस्प्ले सेंटर में देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें अभी आपका दिखा रहा है कि भाई ये आपका हुड ओपन है। बाकी ये सीट बेल्ट का रियर का दिखा रहा है कि 3 पैसेंजर्स के लिए वो लगानी पड़ेगी भैया आपको, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो है अलार्म बजते रहेगा। ये नया सेफ्टी फीचर एड ऑन हुआ है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है। तो आपको सीट बेल्ट आप लगाए ना लगाए, मैं जानता हूँ इंडिया में तो खैर कहीं लगाएंगे पीछे सीट बेल्ट, जो आगे नहीं लगाते पीछे कहाँ लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लगानी चाहिए फॉर अ सेफ्टी रीजन, अगर आप नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजते रहेगा। फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई सेंटर में ये देखिए म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। उसके नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, हैजर्ड लैंप का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको भाई AC कंट्रोल यूनिट नहीं देखने के लिए मिलती है, लगता है ऐसा कि भाई ऑटो है लेकिन ये ऑटो नहीं है, मैनुअल में आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आपको मैक्स कूल का फंक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भाई नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर ऑप्शन है। गियर नॉब आपको भाई 5-speed ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है, और यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस वही पोर्शन है पूरा जो पुरानी स्विफ्ट में आपको देखने के लिए मिलता था, बॉटल होल्डर स्पेस है। तो इसमें आपको रियर AC वेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको मिलता है ZXI वेरिएंट से। बाकी यहाँ पे भी आप जो एलिमेंट देख रहे हैं ये भी आपका एसेसरीज का ही पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ पे लगाना भूल गए क्या ये डिजाइन, और ये देखिए ये वाला पैटर्न है। और बात करेंगे ये ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, डिसेंट सा स्पेस है। बाकी यहाँ आपको IRVM की बात करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल है। रीडिंग लैंप आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाता है, माइक की प्लेसिंग है, टिकट होल्डर, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब भाई कंफर्ट की अगर बात करेंगे तो वो कैसा मिलता है, तो भाई कंफर्ट की अगर बात करूँ तो हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, जबकि सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब फिर भी बहुत अच्छा खासा हेडरूम स्पेस मिल जाता है। विजिबिलिटी भी आपको काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपको सीट ऊपर करने की जरूरत यहाँ पे मतलब महसूस नहीं होगी कि आपको सीट एडजस्ट करनी है। बाकी रिक्लाइनिंग
एंगल तो आपको मिल ही रहा है। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। बाकी कंफर्टेबल सीट्स है, कुशनिंग भी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट ही यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, वहाँ देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। भाई रियर का डोर जैसे ही खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको भाई हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पे आपको सॉफ्टनेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पावर विंडो का स्विच, बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर्स की प्लेसिंग, बहुत छोटी बॉटल होल्डर स्पेस मिलती है। डोर हैंडल क्रोमिंग में ही आपको देखने के लिए मिलता है। भाई ये देखिए रियर से इंटीरियर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। भाई ये जो हेडरेस्ट है आपको फिक्स ही आते हैं, भाई ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। ये हमेशा आपको एडजस्टेबल जरूर मिलने चाहिए, बाकी फ्रंट के तो खैर एडजस्टेबल ही मिलते हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। ओके, और दरवाजा करते हैं बंद। तो ये देखिए भाई ये लेगरूम स्पेस, नीगरूम स्पेस तो अच्छा खासा है। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ना कोई रीडिंग लैंप का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखिए मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है, को ड्राइवर सीट के पीछे ही देखने के लिए मिलेगी, ड्राइवर सीट के पीछे नहीं आती है। बाकी सीट कवर के पीछे तो कोई मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती है आपको। कम्फर्ट की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कंफर्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है और रिक्लाइनिंग एंगल भी अब आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल हेडरेस्ट की ही आपको फील होगी कि ये एडजस्टेबल होने चाहिए थे। भाई मैं तो हमेशा कहूंगा भाई जिसमें अगर ये नहीं आ रहे ना तो देने चाहिए। भाई ये कितनी कॉस्टिंग कर लेंगे यार, मतलब अगर मैं कहूँ ना कंफर्टेबल अगर फील करना है तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट होंगे तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वरना गर्दन ऐसे पीछे ही जाती है भाई, वो मजा नहीं आता। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसके रियर सीट्स का, बात करते हैं इसके इंजन वे की, वहां देख लेते हैं कि वहां क्या क्या चीजें मिलती है, क्या पावर परफॉर्मेंस यह गाड़ी आपको देती है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इसके इंजन कंपार्टमेंट में। अगर इंजन की बात करेंगे तो भाई क्या बात है, नीचे से इंजन प्रोटेक्टर शीट मिल जा रही है, भाई पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क मिल जाता है। भाई सबसे बड़ा चेंज तो इसके लुक्स के साथ साथ यहाँ पे इंजन में भी हुआ है। अब यहाँ पे आपको भाई 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो पहले आपको 4 सिलेंडर में देखने के लिए मिलता था। और ये जो इंजन है नई सीरीज का इंजन है, एंड जेड सीरीज का इंजन है, जो आपका इंडिया से बाहर तो आता ही है और माइल्ड हाइब्रिड हाइब्रिड ऑप्शंस में भी आता है, लेकिन इंडिया में ये केवल अभी नेचुरली एस्पिरेटेड में ही देखने के लिए मिलेगा आपको। पावर की बात करेंगे तो भाई 80 bhp की पावर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। टॉर्क यहाँ पे आपको 112 न्यूटन मीटर का देखने के लिए मिलता है। और माइलेज की बात करेंगे तो भाई पहले से माइलेज काफी बढ़ा दिया गया है, भाई 24.80 kmpl का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। बाकी ब्रेकिंग्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी में भाई 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एज अ स्टैंडर्ड। वारंटी की बात करेंगे तो वही वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है, 2 साल 40,000 किलोमीटर की, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, आप कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस नई नवेली स्विफ्ट के बारे में, जो हमारे सामने फोर्थ जनरेशन खड़ी है, VXI वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। हमने जाने इस गाड़ी के प्राइस, ऑन रोड वैल्यू क्या आपको यहाँ पे पड़ जाती है उत्तराखंड में, बाकी क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो भाई अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हाँ आप अगर चैनल में नए व्यूवर्स है तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।